हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने एग्ज़ाम के परसेंटेज को कैलकुलेटर के निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं अनस टेक। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के नंबर से परसेंटेज कैलकुलेटर में ही निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी नंबर आया होगा आपको उसको पहले लिख देना है। मान लीजिए आपका 418 नंबर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे आपको गुणा कर देना है कि 100 में गुणा करने के बाद दोस्तों उसके बाद हमें भाग को करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जितना भी टोटल नंबर होगा, मान लीजिए 500 नंबर है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे 500 डाल देना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह आप यहाँ नीचे देख रहे हैं 83.6% आपका जो एग्ज़ाम का परसेंटेज है वो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह है, आपको अपना एग्ज़ाम का बोर्ड का जो भी नंबर है उस तरह से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो जो आपके फ्रेंड है आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।